हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट प्रोडक्ट लिस्टिंग के पीएल के लिए किस तरह हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। सिंपली जो है वो आप यहाँ पे जाएंगे थ्री डॉट्स पे और ऐड कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स करेंगे, तो ये वाला इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे इसका कोई एसर यूपीसी लगा के इसको सर्च नहीं करना, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट जो है उसकी लिस्टिंग करने जा रहे हैं। तो हम ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं जो कि पहले अमेजोन पे सोल्ड आउट नहीं हो रही। तो आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, तो ये चीज हमने जो है वो इस पे क्लिक करना है। मीन के अमेजोन पे सोल्ड क्या कि हम दूसरों की तो नहीं, हम अपनी अपनी प्रोडक्ट अपने लोगों अपने ब्रांड के साथ जो है वो हमने मैन्युफैक्चर करवाई हुई है वो चीज हम जो है वो सेल आउट करने जा रहे हैं। मीन के हम दूसरों को जो पिज्जा कटर है अगर ये वाला है तो हम इसको तो सेल आउट नहीं कर सकते ना एज इट इज। तो अगर इसको हमने एज इट इज सेल करना है तो हम होलसेल करेंगे, क्योंकि हम तो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। तो प्राइवेट लेबल में हमने अपनी प्रोडक्ट बनवानी है, अपनी मैन्युफैक्चर करवा के हमने करनी है, तो वो कोई ऑलरेडी अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो इस तरह का नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा वो इस तरह का होगा। अब यहाँ पे जो है वो अर्ली एक्सेस के लिए आप इसको ट्राई नाउ करें। मीन के 100 वर्ड्स अगर आप देंगे अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड तो ये आपको जो है वो उसका डाटा फेच करके दे देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसका नेम लिखते हैं। मीन के हमारी प्रोडक्ट है पिज्जा कटर, आपने क्या है इसको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। अब हमने सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट की टाइप, इसके ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास इस तरह का आएगा। अब यहाँ पे हमने इसकी कैटेगरी चूज करनी है, आपने जो है आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है आपने उस अकॉर्डिंग उसको चूज करना है। देखते हैं हमारी प्रोडक्ट होम एंड किचन की है, हमने होम एंड किचन को चूज किया। देन हम नीचे जाते हैं, हमारे पास आता है ये आएगा किचन एंड डाइनिंग में। देन नेक्स्ट मूव करते हैं किचन एंड डाइनिंग में, उसके अलावा ये हमारे पास पिज्जा कटर है तो ये आएगा यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। स्मॉल अप्लायंसेस में शायद किचन यूटेंसिल एंड गैजेट्स में आएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कुकिंग भी नहीं है, और यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं किचन गैजेट्स हो सकते हैं शायद पिज्जा का। ये देखें पिज्जा पास्ता एंड पिज्जा टूल, ये हमारे पास बिल्कुल पास्ता एंड पिज्जा टूल में आता है। अब यहाँ से हमने अपनी प्रोडक्ट की जो है वो टाइप को चूज करना है। अब ये व्हील कटर आ रहे हैं, किचन टूल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है मजीद यहाँ पे कैटेगरी को कह रहा है कि यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है पिज्जा कटर है ये वाला, तो हम इसको ये देखें पिज्जा कटर इसमें एग्जैक्ट आ गया, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट हो चुकी है, जो प्रोडक्ट की अगर टाइप थी वो सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हमने नेम भी लिख दिया, उसकी जो है वो प्रोडक्ट टाइप भी कर ली हमारी। अगर तो कोई वेरिएशन है तो हम यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें ब्रांड का नेम, अगर आपके ब्रांड का नेम आपका जो है ब्रांड रजिस्टर है तो आपने यहाँ पे अपने ब्रांड का जो नेम है वो पुट करना है। अगर आपने जेनेरिक लिस्टिंग करनी है, अगर आपने जीटीए इन एक्सेप्शन के थ्रू जाना है तो आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। मीन कि इसका क्या मतलब है कि अगर आप जो है वो ब्रांड रजिस्टर नहीं है आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जेनेरिक आ जाएगा। मीन कि आप एज अ जेनेरिक लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने आपने अपने ब्रांड के अंडर जो है वो लिस्ट करनी है तो यहाँ पे आप अपने ब्रांड का नेम पुट करेंगे। और अगर आपने यूपीसी बाय नहीं किया हुआ, अगर आप यूपीसी कोड के साथ नहीं जाना चाह रहे तो आपने अमेजोन से जीटीए ने एक्सेप्शन ली हुई है आपने उनके थ्रू जाना है, तो आप जो है यहाँ पे लिख देंगे आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी, तो आपकी कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो आपने GS1 की जो है वो साइट से आपने जो है वो यूपीसी बाय किए हुए हैं तो आप यहाँ पे जो है यूपीसी मेंशन करेंगे, उसके बाद आप इसको फर्दर मूव ऑन करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हम जेनेरिक के साथ जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई भी वो चीज नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट के हमने किस तरह जाना है। चलिए हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, वो कह रहे हैं आपको ये बाद में अप्रूवल दे देगा, आपका टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है वो डिस्क्रिप्शन डालनी है। अब हमारे पास हमने क्योंकि कंटेंट अपना लिखा हुआ है, कंटेंट हमने अपनी जो लिस्टिंग है उसको क्रिएट किया हुआ है, हमने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लगा के हमने तमाम रिसर्च करने के बाद अपना कंटेंट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से लेट्स गो, ये हमारा जो है वो डिस्क्रिप्शन है, हम इसको जो है वो कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आके इसको कर देते हैं पेस्ट। अब ये हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, जितनी आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे, जितना आप डिटेल से डिस्कस करेंगे
उतना ही बायर आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा। अब यहाँ पे नीचे आपके पास आ रहे हैं बुलेट पॉइंट्स, हमारे पास 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है इधर आ जाएंगे वापस, और जो हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं उनमें चले जाएंगे। हम वन बाय वन करके यहाँ से अपने बुलेट पॉइंट्स को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम इनको कर देंगे सिंपली ऐड। अब यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, दूसरा बुलेट पॉइंट आ जाएगा सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले वाला कॉपी किया है, उसी तरह आपने जो है यहाँ से अपना दूसरे वाला बुलेट पॉइंट उठाना है, और उठाने के बाद आपने इसको सिंपली यहाँ पे आके अपना कर देना ऐड। इसी तरह आपने जो है 5 बुलेट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेने हैं, जिस तरह अब ये तीसरा वाला हमारा होगा। अब ये हम इसको ऐड कर देते हैं, हमने करने हैं 5 ऐड, तो ये हमारे पास थर्ड वन हो गया। उसके बाद फोर्थ वन, इसी तरह सेम जिस तरह आपने ये किया है इसको पकड़ के हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आगे इसको करते हैं पेस्ट, और हमारे पास लास्ट वन हमारा बुलेट पॉइंट रह गया है, तो हम इसको भी इसी तरह सेम करते हुए अपने बुलेट पॉइंट्स को करते हैं कंप्लीट। अब हमारे जो है बुलेट पॉइंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास जो है वो इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपने जो है आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, जैसे कि पिज्जा कटर है, तो ये जो इमेजेस हैं जिस तरह आपके पास यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ शो हो रही होंगी, आपने इस तरह अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड करना है। देन आपकी लिस्टिंग भी इसी तरह, अब जैसे इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की जो है वो इमेजेस को यहाँ पे जो है अपलोड किया हुआ है, तो इसी तरह आपकी जो भी आप इमेज लगाएंगे आपकी भी इसी तरह शो होगी। अब आपने टाइटल लिखा है आपका भी इसी तरह शो होगा, आपने बुलेट पॉइंट्स को वहां पे पुट किया है तो आपके बुलेट पॉइंट्स भी इसी तरह शो होंगे जिस तरह इनके हो रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन जिस तरह इनकी हो रही है उसी तरह आपकी भी होगी। तो इसी तरह आपकी जो है आपने मेन इमेज जो आपने जो है वो लगाना है, आपके विजुअल जो है वो अच्छे होने चाहिए, आपने इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो हम वापस आते हैं अपने अकाउंट में, इसी तरह आपने तमाम जो है वो यहाँ पे अपने विजुअल्स लगा लेने हैं। उसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्ट, अब डिस्क्रिप्शन भी होगी ये चीजें कंप्लीट करने के बाद, हम आते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में। अब प्रोडक्ट डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे जो कुछ रेड लाइंस में आपको दिया गया है आपने उसको लाजमन फिल करना है। अब मॉडल नंबर क्या होता है, मॉडल नंबर आप जो है वो कुछ भी लगा सकते हैं, मॉडल नंबर 07 अगर आपने लगाना है तो ये पिज्जा आपने लगाया, सेम आप जो है वो यही वाला आपका जो है वो ये मॉडल नंबर है, ये मॉडल नेम आप यही लगा दें सेम इधर। उसके बाद मैन्युफैक्चरर आप मीन के जो आपका मैन्युफैक्चरर वो आपने लगाना है, आप यहाँ पे जो है वो एनी भी लिख सकते हैं, आप अपने ब्रांड का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाए मटेरियल क्या है, हमारा स्टील का होता है ये पिज्जा कटर, तो यहाँ से आपने जो है वो देख लेना है कि स्टील की तरह, अब ये स्टील का हो गया। नंबर ऑफ एटम हमारे कितने हैं, अगर हम 30 के साथ जा रहे हैं तो 30 लगाएंगे, और नंबर ऑफ एटम, एटम टाइप नेम, तो हमारा एटम टाइप नेम क्या है, कटर है, तो ये हमारा कटर हो गया, हमने यहाँ पे कटर लिख दिया। उसके बाद आ जाते हैं कलर में, कलर हमारा जो भी है सिल्वर कलर लगा लें, व्हाइट लगा लें, ब्लैक लगा लें, सिल्वर कलर जो भी आपकी प्रोडक्ट का होगा आपने उस अकॉर्डिंग जाना है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रही हूँ। नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं हमारे, हमने 30 कहा था, 30 हमारे नंबर ऑफ पीसेस है। यहाँ पे केयर इंस्ट्रक्शन जी हमारे पास है कि केयर इंस्ट्रक्शन में डिश वाशर सेफ, हैंड वॉश मीन के हम इसको मीन के कह देते हैं कि सेफ एंड मोर मीन के अगर आपने कुछ और भी यहाँ पे ऐड करना है तो आप कुछ वो खुद भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बताना है कि केयर इंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ मीन के सेफ नहीं क्योंकि बी सेफ या किस तरह, क्योंकि ये हमारे पास कटर है तो आपने उसे जो है वो सेफ रहना है, या फिर यूज केयरफुली इस तरह, यूज केयरफुली, केयरफुली इस तरह आपने यहाँ पे जो भी आपने करनी है आपने यहाँ पे वो लगा देनी है। वो मटेरियल हमारा पास मटेरियल कौन सा हमारे पास है, मटेरियल हमारे पास है इसका स्टील का, तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास स्टील का किधर आ रहा है, तो हम उसको चूज कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील आपने इसको कर लिया चूज। अब आपके पास आ रहे हैं इंक्लूडेड कंपोनेंट, इसमें कौन से कंपोनेंट जो है वो इंक्लूडेड है, अब कौन से कंपोनेंट है मीन के क्या इसके कौन बॉडी है, बैटरी है, पैक है, मीन के इसमें कंपोनेंट कौन कौन से, वो आपने यहाँ से आके इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वहां से भी ले सकते हैं। इसके कंपोनेंट अब स्लाइसर ये किससे बना हुआ है, व्हील विद प्रोटेक्टिव ब्लेड कवर, ये प्रोटेक्टिव ब्लेड कवर ये इसका एक कंपोनेंट है, आप इसको कॉपी करके आप मैं यहाँ पे जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके जो प्रोडक्ट के कंपोनेंट होंगे आपने यहाँ पे वो इस तरह पेस्ट लगा देने हैं, आपने इस तरह जो है वो उनको देख कर कर लेना है। अब ब्लेड मटेरियल कौन सा है यहाँ पे देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील है हमारे पास,
और उसके बाद यहाँ पे अब ये आप अगर आपको जरूरी है आप यहाँ पे अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो आप पुट कर दें, नहीं है तो आप जो है वो नेक्स्ट आगे ऑफर्स में आ जाएं। आप इनको साथ साथ सेव करते जाएंगे, मैं सेव नहीं कर रही, आपने सेव करते जाना है। उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन SKU क्वांटिटी कितनी है हमारी पास, क्वांटिटी कितनी थी हमारी 30 क्वांटिटी थी। हमारी प्राइस क्या थी, अब यहाँ पे हम कोई प्राइस ले लेते हैं, हम जो है उसको 10 में कह देते हैं कि भाई हमारी जो है वो उसकी प्राइस 10 होगी। उसके बाद ऑफरिंग कंडीशन टाइप हमारी जो है वो न्यू है तो हम यहाँ पे न्यू को चूज कर लेते हैं। उसके बाद लिस्ट प्राइस क्या है, योर प्राइस और लिस्ट प्राइस हम यहाँ पे जो है वो 10 को लगाते हैं। और फुलफिलमेंट कौन करेगा, अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। हम FBM नहीं कर रहे हैं, हम FBA कर रहे हैं, तो वो क्या हम इसको अमेजोन को देंगे। अब एटम पैकेज की लेंथ क्या है, अगर एटम पैकेज की लेंथ 8 है और कितने इंच है, वो तमाम चीज़ें आपने अपने सप्लायर से इंचीज में है तो आपने अपने सप्लायर से पूछ के यहाँ पे जो है वो पुट कर देनी है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। उसके बाद इसकी हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी होंगी वो आपने एग्जैक्ट अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगानी है। वेट कितना है वो आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करना है। और उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, हमने 30 पीसेस लिए थे, हम 10 10 का एक बॉक्स बनाएंगे तो मतलब हमारे पास 30 हुए, तो वो भी डिपेंड करता है सप्लायर के, वो 12 1 में रखता है या फिर 10 10 का बनाता है या फिर वो 30 का एक ही बना देता है, तो ये 15 के 2 भी बन सकते हैं। अब हमने मैंने 10 के अकॉर्डिंग बनाए तो मैंने 3 बना दी है, अब अगर 15 के अकॉर्डिंग बनाए तो 2 भी बन सकते हैं अगर सप्लायर अगर 15 2 बनाना चाहे तो, ये भी हो सकता है। उसके बाद सेफ्टी एंड हमारे पास आता है कॉम्प्लियंस, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कंट्री हमारा कौन सा है, हमारा यूनाइटेड स्टेट है, हम उसको चूज कर लेते हैं। ये बैटरी तो हम बैटरी की कोई चीज नहीं है, नो कर देते हैं। उसके बाद डेंजरस है तो आप यहाँ पे, क्योंकि डेंजरस तो है तरीके से, क्योंकि ये इस तरह है ना कटर में आ जाता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, इनमें से तो कोई नहीं है, अदर है, तो ये हो गया। अगर कंटेन लिक्विड, लिक्विड तो नहीं है, नो हो गया। ये एटम वेट कितना है, उसके बाद मैंडेटरी ये आपने कुछ लगाना हो यहाँ पे तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। कुकिंग हैजर्ड्स, और इसके बाद क्योंकि कुकिंग के लिए तो है, नो वार्निंग, स्मॉल कुकिंग हैजर्ड या स्मॉल बाल मार्बल कंटेन स्मॉल बाल, ये आप क्योंकि यहाँ पे लगा सकते हैं, नो वार्निंग एप्लीकेबल कुकिंग हैजर्ड बैलून केमिंग, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वार्निंग तो हम नहीं दे सकते कि नो वार्निंग अवेलेबल, तो आप अगर वार्निंग नहीं है तो आप यहाँ पे जो है वो नो कर देंगे, कोई है तो यहाँ पे आप यस कर दें, तो इस तरह करके आपने जो है इसको सबमिट करा देना है। सबमिट कराने के बाद आपकी जो है 10 to 15 मिनट्स के अंदर जो है आपकी ये वाली प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी। अब आपका क्या होगा कि ये जो है सबमिट कराएंगे तो ये आपकी जो है वो लाइव हो जाएगी। इस तरह क्या करते हैं, हम अपनी अमेजोन प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। जिस तरह आपको ये वाली लिस्ट नजर आ रही है कि ये किस तरह लगी होंगी, कैसे लगी होंगी, ये इसी तरह जो है वो हम अपने अकाउंट से जाके अपनी प्रोडक्ट को जो है लिस्ट क्रिएट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। अब आपको ये भी पता है कि कंटेंट लिखते हैं हम, अपना कंटेंट खुद बनाते हैं, खुद लिखते हैं, हम दूसरों का कॉन्टेंट कॉपी नहीं करते, आइडिया जरूर ले सकते हैं वहां से, हम उसको कॉपी नहीं कर सकते एज इट इज, सही है, तो वो चीज भी आपके जो हमारे ऊपर कॉपी राइट का फिर वो जो है ऑब्जेक्शन आ जाती है, तो हमने इसके ऊपर भी रिसर्च करनी होती है, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज बनाना होता है, ऑप्टिमाइज कीवर्ड यूज करने होते हैं, हाई रैंक कीवर्ड यूज करने होते हैं, उसके बाद जाके हमारा कंटेंट क्रिएट होता है, देन हम उसको जो है वो अपने अकाउंट पे इस तरह अपलोड करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर कि किस तरह आपने जो है वो अमेजोन प्राइवेट लेबल के लिए अपनी जो है वो लिस्टिंग करनी होती है, लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम जो है वो चीजें देख ली है। यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिटी थी, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट जो भी आपकी प्रोडक्ट की जो है वो आपने यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाता है सारा कुछ, वो आपने बुलेट पॉइंट्स है, डिस्क्रिप्शन है, इमेजेस है, प्रोडक्ट डिटेल्स में आपने उसका मॉडल नंबर एटम जो तमाम कलर वगैरह आपने तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने पुट की हैं, आपने वो लगानी है। ऑफर्स में भी आपने उसी तरह जो मैं आपको मैंने चीज़ें बताई हैं उसी तरह आपने यहाँ पे लगानी है। उसके बाद सेफ्टी एंड ये कंप्लियंस आ जाता है, उसके बाद भी आपने यहाँ पे उस तरह जिस तरह हमने डिस्कस किया है सेम उस तरह आपने यहाँ पे अपनी कंटेंट जो है वो अपना जो लिस्टिंग है उसको क्रिएट कर लेना है। अब ये तमाम चीज़ें आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है, आपने एग्जैक्ट चीज़ें बिल्कुल लगानी है यहाँ पे, बिल्कुल केयरफुली होकर आपने अपनी लिस्ट को क्रिएट करना है। आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, एडिट का ये एडिटेबल होती है,
ये नहीं है कि एक दफा जो लग गया वो लग गया, ऐसा नहीं होता, ये हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्यूरी है अमेजोन प्राइवेट लेबल के अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा प्राइवेट लेबल के अकॉर्डिंग, आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।